नाम प्रमोद बिष्ट है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा नाम साजिद अख्तर है और मैं IT कंसल्टेंट हूँ। मोहम्मद मकबूल खान, बिजनेस करता हूँ। माई नेम इज़ आर्यन पोरवाल एंड आई वर्क विद डाबर इंडिया लिमिटेड। माई नेम इज़ अनुज सिंह एंड करेंटली आई एम परसुइंग PGDM फ्रॉम IT स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गाजियाबाद। जिस हिसाब से इंडिया टीम जेल दिख रही है एशिया कप से ही, है ना, तो मुझे नहीं लगता इस बार टॉप कंटेंडर में आती इंडिया। और मेरे हिसाब से तो इस बार गोल्डन चांस है रोहित शर्मा जी के लिए कि वो वर्ल्ड कप जीतेंगे। इस समय क्या है, इंडिया के अलावा किसी के पास 15 जन इतना बढ़िया नहीं है जो जेल है, जो 15 की टीम है। 11 अलग बात है, 15 के 15 जेल है। तो और अभी हम लोग तीनों फॉर्मेट में नंबर वन है, टॉप बॉलर हमारे पास नंबर वन है, और मेरे हिसाब से 2-4 मैच में शायद शुभम गिल भी बाबर आजम को पीछे कर देगा। इंडिया इज नाउ अ स्ट्रॉन्ग यूनिट एंड आई वुड से कि दे हैव अ वेरी ब्राइट चांस दिस टाइम, दे कुड विन वर्ल्ड कप एंड आई वुड डेफिनेटली प्रे कि वो इस बार वर्ल्ड कप जीते। सो अगर हम इस तरह से ही बैटिंग करते रहें, बॉलिंग करते रहें और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं क्रिकेट के वो तो ऑलरेडी बहुत ही शानदार है इंडिया के, तो वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम विनिंग अनदर वर्ल्ड कप। बिल्कुल, इंडिया मेन एडवांटेज तो यही होगा कि इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है तो फायदा तो मिलेगा इंडिया को। इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर अस एंड डेफिनेटली इंडिया विल विन एंड दैट्स लिटरली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस दैट इंडिया हैज़ बिकम द नंबर वन टीम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन द एशिया कप एज वेल। सो आई थिंक एंड आई बिलीव दैट इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। बिल्कुल मिलेगा, जैसे कि अभी आपने देखा कि एशिया कप का फाइनल बांग्लादेश के साथ जो भी इनका श्रीलंका के साथ जो भी हुआ था इनका, तो 51 पे ऑल आउट हो चुकी थी टीम। तो 14 तारीख को मैच है, लेट्स होप कि शायद वैसा ही परफॉर्म करे इंडिया फिर से, और इंडिया जरूर करेगी और इंडिया जीतेगी पाकिस्तान से। क्या होता है जब आदमी प्यार में होता है ना, तो प्यार में आदमी फिर कुछ नहीं होता, उसको प्यार सोचता है, तो उसकी अब हो गई शादी, अब हो गया सेटल, है ना, प्यार में सब हो जाते हैं, वो भी हो गया था तो उस समय परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। अब ये देखिए कि उसको BCCI ने, मैनेजमेंट ने, हमारे क्रिकेट ने कितना उसको बैकअप किया था, बैक किया था। और आपको पता है कोहली और रोहित शर्मा के बाद तीसरा वो वाइद बंदा है जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है मिडल्स ओवर में या ओपनिंग में, उसकी 3 सेंचुरी ऊपर भी हैं, 3 सेंचुरी नीचे भी हैं, तो वो सबसे इफेक्टिव है। इस बार देखना हो जिस हिसाब से वो फॉर्म कैरी कर रहा है वर्ल्ड कप में सबसे इफेक्टिव वही रहेगा। इंडिया इज़ अ कंट्री हैविंग 140 करोड़ पॉपुलेशन, है ना, तो हर बंदा अपनी एक उसकी अलग परसेप्शन, उसका हर माइंड सेट होता है अपना, तो वो अपने हिसाब से बात कर रहा है। बट आई बिलीव दैट KL राहुल विल परफॉर्म मच बेटर एंड KL राहुल विल बिकम द इंडियन कैप्टन एज वेल इन फ्यूचर। गलत नहीं था, जब वो अनफिट था तो उसको नहीं चांस मिला शायद खेलने का, लग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। विराट कोहली ने भी स्टार्टिंग में बहुत से मैचेस में फेल हुआ, वो उतना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, पर ठीक है, लक है, स्किल है, तो वो कभी नहीं ख़त्म हो सकता है। जैसा अब आगे वाले मैच में अभी खेलते आए एशिया कप में, वैसे वर्ल्ड कप में भी KL राहुल खेलेगा बढ़िया। देखिए हार्दिक पांड्या T20 के लिए, हार्दिक पांड्या अच्छा विकल्प है क्योंकि जिस हिसाब से उनकी अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच T20 में होनी चाहिए। बट राहुल KL राहुल कूल काम दिखता है जैसे धोनी साहब दिखते थे, मुझे लगता है वनडे के लिए KL राहुल बहुत अच्छा ऑप्शन है। आई वुड से कि थोड़ा सा एडवांटेज है KL राहुल को बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन एंड अ गुड बैट्समैन, एंड अगर विकेट कीपर बैट्समैन बनते हैं तो एक टीम के पास हमेशा एडवांटेज होता है। सो हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो वेरी गुड कैप्टन, बट थोड़ी सी एग्रेसिवनेस ज़्यादा है एंड KL राहुल इज़ अ बिट काम एंड कंपोज लाइक धोनी। सो माई चॉइस एंड आई वुड से कि KL राहुल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन ऑफ रोहित शर्मा लेफ्ट ऑफ इंडियन टीम। हार्दिक पांड्या KL राहुल से बेहतर कप्तान है। आई बिलीव दैट KL राहुल विल परफॉर्म मच बेटर एज कम्पेयर टू हार्दिक पांड्या, क्योंकि देखो जो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस है वो KL राहुल पे बहुत डिपेंड करती है। इंडिया उसको KL राहुल को एक फ्यूचर लीडर और फ्यूचर टीम कैप्टन के रूप में देखता भी है। नो डाउट हार्दिक पांड्या इज नॉट लेस देन KL राहुल, बट डेफिनेटली आई विल बिलीव कि KL राहुल विल बिकम द इंडियन कैप्टन। मेरे ख्याल से दोनों ही बेहतरीन है, KL राहुल और हार्दिक पांड्या, पर अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो मैं चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या ही अगला कैप्टन बने। मेरे हिसाब से वेस्ट ऑस्ट्रेलिया से अच्छी टीम साउथ अफ्रीका है। अब वो थोड़ा सा उनका पता नहीं क्या मामला हो जाते हैं उनके, उनको रूहानी उनके चक्कर कुछ लग नहीं पाते जो पाकिस्तान के लग जाते हैं, बाकी साउथ अफ्रीका टीम बहुत अच्छी टीम है इस समय। हाँ, साउथ अफ्रीका ने भी अभी ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी बड़े मार्जिन से हराया है, बट सी साउथ अफ्रीका के साथ प्रॉब्लम रही, दे हैज बीन लेबल एज चोकर टीम, सो दे हैव बीन ऑलवेज चोक्ड इन टॉप मैचेस, दो क्वालिफाइंग मैचेस, वर्ल्ड कप्स, दे हैव नेवर वन। सो दिस टाइम ऑल्सो वी कांट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम, ऑल ऑफ द होल ईयर दे प्ले वेल, बट ड्यूरिंग यू नो वर्ल्ड कप मैचेज एंड यू नो
बड़े स्टेज पे वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो वो तो चौकर तो रही है, अब देखो अपना जो पुराना रिकॉर्ड अगर बेहतर कर लें तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड को बेहतर करें। लास्ट में जब छक्का मार राहुल ने जिताया तो कैमरामैन मिचेल मार्श को ढूंढ रहे थे, है ना, तो वो उसका मुंह कैसे उतरा था, तो ज़्यादा बड़ा बोलना नहीं बोलना चाहिए। तो इस बार अभी अपन उनको 3-0 मारेंगे, वर्ल्ड कप में भी उनको मारेंगे डेफिनेटली टू ग्रेट एक्सटेंट, बिकॉज वो पिच को समझ चुके होंगे, तब तक थोड़ी बॉलिंग को भी उन्होंने टेस्ट किया हुआ होगा, तो डेफिनेटली एडवांटेज तो उनको मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ये कहना कि उसको फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये मतलब एक तरफ बेवकूफ़ी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़ी टीम थी, बड़े टूर्नामेंट को कैसे खेलती है, कैसे खेलना चाहिए, कैसे जीतना वो जानती है। ऑस्ट्रेलिया 5-5 वर्ल्ड कप जीतने का उसके पास अनुभव है, तो ऑस्ट्रेलिया को हल्के में लेना तो बेवकूफ़ी होगी ना। तो अगर इंडिया को कोई टक्कर दे सकता है तो वो ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा अगर कांटा इंडिया के सामने कोई है तो ऑस्ट्रेलिया है। एग्जैक्टली ऐस तो देखो किसी भी टीम के लिए रह सकता है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस, हाउ टीम परफॉर्म एंड हाउ देयर टीम पीयर ग्रुप परफॉर्म, इट्स ऑल अबाउट द टीम गेम, सो वी नीड टू परफॉर्म एज अ टीम नॉट एज अ इंडिविजुअल पर्सन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नो डाउट एक अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छी टीम है, वो बड़े टूर्नामेंट में अपना बेस्ट देती है।